होंगे और मज़े से होंगे। तो ये हो रहा है शाम का टाइम और आज का ब्लॉग मैंने यहाँ अब स्टार्ट किया यहाँ से। तो मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो सुबह के आलू बॉयल पड़े हुए थे तो बना नहीं पाई थी, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड हैं जो सुबह मेरे जो हस्बैंड है वो बाज़ार से नाश्ता ले आए थे तो वो ही कर लिया था, तो फिर सब्ज़ी हमने कैंसिल कर दी थी। तो बॉयल आलू रखे हुए थे तो बस उसी को फ्राई कर लिया है, फ्राई करके मैंने सब्ज़ी बनाई है। तो दिखाती हूँ आपको मैंने कैसी सब्ज़ी बनाई है। तो यहाँ मेरी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है आलू फ्राई। इसमें मैंने ना तो प्याज डाला है ना लहसुन डाला है, ओनली इसको ज़ीरा और राई से मैंने छौंका है। बस खाली मिर्च और टमाटर डालें और कुछ सूखे मसाले जैसे कि लाल मिर्ची, पिसा धनिया, हल्दी, नमक और मैंने साबुत धनिया और सौंफ को भी दरदरा पीस के डाला है और थोड़ा सा अमचूर और हींग, कसूरी मेथी और हरा धनिया ऊपर से डाला है। इससे क्या है सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है और खाने में भी अच्छी लगती है। सिंपल सी सब्ज़ी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ पर मेरा आटा लग चुका है, अब बनाऊँगी मैं रोटियाँ। खाना मेरा बन चुका था और सबने खाना खा भी लिया था और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ मेरी नाइट क्लीनिंग, जो मैं डेली की डेली करती हूँ, गैस साफ़ करना, स्लैब साफ़ करना, तो वही काम मेरा यहाँ पर चल रहा है। खाना मेरा बन चुका है, सबने डिनर कर लिया है और यहाँ मैंने मेरी किचन की साफ़ सफाई भी, क्लीनिंग वगैरह कर दी। ये मेरे डेली का रूटीन है, इससे क्या है सुबह भी ज़्यादा काम नहीं फैलता है तो किचन भी साफ़ लगता है तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी है, बर्तन बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। अब हम सुलाएंगे हमारे कान्हा जी को और फिर उसके बाद हम भी सोएंगे। तो आप भी सोइए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरी हो चुकी है सुबह और सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह का है, बादल छाए हुए हैं और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो, और लगता है बारिश भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि मौसम तो ऐसा ही हो रहा है। यहाँ मैं कर रही हूँ दूध गरम और बच्चों के लिए दूध बना रही हूँ और मलाई निकाल रही हूँ। हमारे घर में दूध की मलाई कोई भी नहीं खाता तो मैं उसको क्या कर लेती हूँ, स्टोर कर लेती हूँ। स्टोर करने से ये है कि मैं उसका घी बना रही हूँ, तो इस तरीके से वो मलाई भी है जो काम में भी आ जाती है और बिगड़ती भी नहीं है। यहाँ मेरी बेटी भी जग के आ चुकी थी तो उसका डेली का रूटीन है, जब भी वो जगती है तो उसे एक बार मेरे से लिपटना होता है, मुझसे गले लगाना होता है। मतलब उसका डेली का है कि मोस्टली बच्चों का होता है, जब भी वो सुबह जगते हैं तो उन्हें चाहिए थोड़ा बहुत प्यार दुलार मिले और उनकी मम्मी है, उन्हें ऐसा लगे कि उनकी मम्मी है जो उनकी केयर करती है, उनको प्यार करती है। और यहाँ मैं उसके लिए दूध तैयार कर रही थी। उसके बाद यहाँ कर रही हूँ मैं बर्तन साफ़, जो चाय पानी के हो जाते हैं, जो चकले बेलन होते हैं उनको भी मैं दोबारा वॉश करती हूँ और तभी खाना बनाती हूँ। पानी की एक दो बोतल भी खाली पड़ी थी तो उनको भी मैंने आरओ से पानी निकाल के भर दिया था, क्योंकि दोपहर में फिर पूरा ठंडा पानी चाहिए। दोपहर में मैं आरओ नहीं चलाती हूँ क्योंकि धूप की वजह से आरओ की जो कॉपर प्लेट होती है उसके जलने का डर रहता है। फिर मैं नहाने चली गई थी, नहाने के बाद आई हूँ तो सबसे पहले मैंने मेरे ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनाया है, क्योंकि आज मन कर रहा था कि कुछ उनके लिए मीठा बनाऊं, तो यहाँ मैं उनके लिए सूजी का हलवा बना रही हूँ। और आपको देखिए मौसम का नज़ारा भी दिखाती हूँ, हमारे यहाँ बारिश हो गई थी और ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है। ये दोपहर का ही टाइम है और अच्छी खासी वाली जो बरसात होती है वो हो चुकी थी। देखिए यहाँ पानी भी फैला हुआ है, ये बारिश का ही पानी है। तो मतलब ठीक ठाक बारिश हो गई थी और जो गर्मी हो रही थी वो भी थोड़ी कम हो गई थी, मौसम अच्छा हो गया था। अब मैंने मेरे ठाकुर जी की प्लेट लगा ली जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने ठाकुर जी का प्रसाद रख लिया है और साथ में रखा है तुलसी दल। तो तुलसी दल ठाकुर जी की भोग में ज़रूरी होता है, कि शायद बहुत से लोग जानते हो कि बिना तुलसी दल के ठाकुर जी अपना भोग जो हम भी रखते हैं उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि जब भी आप ठाकुर जी को भोग लगाओ तो उसमें तुलसी दल रखो। तो अब हम लगाएंगे ठाकुर जी का भोग।
मैंने कान्हा जी का भोग लगाया।